अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चेरी हुसैन और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही मज़े की ट्रिक। वो ये है कि कंप्यूटर में हम अपने कंप्यूटर में दूसरों से अपने फोल्डर को कैसे महफूज कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक सिस्टम है उसको मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं हमारा कोई सीक्रेट फोल्डर है वो किसी को नज़र ना हो, शो ना आए कि ये फोल्डर हमारे पास सिस्टम में मौजूद है कि नहीं, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम की तमाम ट्रिक्स आपको ईजीली मिलती रहें। और चलें करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है यानी कि कोई भी फोल्डर जो आप चाहते हैं, जैसा कि मेरे पास ये फोल्डर है, ये देखें ये दो तीन फोल्डर पड़े हैं मैंने, ये पर्सनल के नाम से एक फ़ोल्डर रखा है। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये मैंने कुछ इमेजेस अंदर रखी हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपका पर्सनल फोल्डर है और ये किसी और को नज़र ना आए, यानी कि सिर्फ आप ही इसको जब चाहें ओपन करें, तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे, इसको हम दूसरों की नज़रों से कैसे छुपा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ जाना है यहाँ पे ये व्यू में, टूल बार में जाएंगे व्यू में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑप्शन, ये मैं पहले बता दूँ आपको ये विंडोज़ 10 के हैं, विंडोज़ 7 में तरीका और होता है, मतलब स्टेप यही है लेकिन जो है ना फोल्डर व्यू में जाकर फोल्डर की सेटिंग वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा हो ये विंडो 10 का, यहाँ पे हिडन आइटम्स ये यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, दैट्स मीन्स कि ये हिडन आइटम आपको शो होंगी। अगर इसको हम डिसलेक्ट कर देंगे तो हिडन आइटम जो है वो हमें शो नहीं होगी, यानी कि हिडन फोल्डर हमें शो नहीं होंगे। इसको भी छोड़ते हैं, ये देखें इधर इसकी सेटिंग में आते फोल्डर की, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में आए, यहाँ पर ये देखें ये हिडन के नाम से आ रहा है, इसको हम अगर सिलेक्ट कर देंगे, ये देखें मैंने क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से हमने अप्लाई किया, यहाँ से वो पूछ रहा है कि ये सिर्फ इस फोल्डर के लिए चेंज करना है या ऑल फोल्डर्स पे, जो है हम ऑल फोल्डर्स को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, साथ ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप देखें ये जो है ये डार्क है, ये थोड़ा ब्लर हो गया हमारा, दैट्स मीन कि ये हिडन फाइल है। अब अगर हम व्यूज़ में जाते हैं तो यहाँ से हम सेटिंग जो अपनी हिडन आइटम्स को डिसलेक्ट कर देते हैं, तो ये देखें हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ से गायब हो गया, यानी हाइड हो गया। तो जब भी आप अपना फोल्डर ओपन करना चाहें सिंपल यहाँ पे व्यू में जाएं और अपनी हिडन आइटम्स को शो कर लें तो ये आपका फोल्डर शो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये शो हो यानी कि प्राइवेसी ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसको हिडन को ख़त्म करके अप्लाई करके ओके कर देंगे तो ये हमारा ये देखें नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। और भी अगर आप लोग ट्रिक सीखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कोई और आपका क्यूरी हो, आपके माइंड में कुछ और हो, तो आप हमें सिंपली फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में भी, और टेक वर्ल्ड के नाम से फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ भी आप जाके अपने कमेंट्स अपनी क्यूरीज बता सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे शहरी हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।